बनाने जा रहे हैं छोला और आलू टिक्की की चाट। ये हमने रात भर भिगो दिए थे, अब हम इनको उबाल लिया है। अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें जीरा ऐड करेंगे, दो बड़े कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। हमें प्याज को सुनहरा नहीं करना है। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक हमने छोले में भी डाला था, उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालना है। छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इन सबको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चना अब हम इसमें ऐड कर देंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आधा गिलास पानी डाल के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया, अब हम इनको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चाट बनके तैयार हो गई। अब हम इसमें इमली और गुड़ की चटनी ऐड कर देंगे। हमने इनको पतला ही रखा है, हम इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही और पकाएंगे। अब हम आलू टिक्की बनाएंगे, इसलिए हमने आलू को उबाल लिया था चने के साथ। अब हम इनको अच्छे से मैश कर देंगे। आलू को हमने मैश कर लिया, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने टिक्की को इस शेप में बना ली, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये हमारा तवा गर्म हो गया था, हम इसमें 2 चम्मच तेल डाला था और अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमें 3-3 ही डाल के फ्राई करेंगे, जिससे आसानी हो जाएगी करने में। ये हमने जो पहले टिक्की ली थी, इनको हमने एक तरफ कर दिया और दूसरी वाली इसमें डाल दी और गैस को धीमी आंच पे रख दिया है, जिससे ये कुरकुरी और एकदम अच्छी टिक्की बनके तैयार हो जाएगी। हमारी चना चाट टिक्की बनके तैयार हो गई है। आप भी बनाएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।